भागलपुर एयरपोर्ट सेवा संघर्ष समिति के द्वारा आज 15वें दिन शिष्टमंडल की टीम कमिश्नर एवं जिलाधिकारी से मिलने पहुंचे कमिश्नर कार्यालय। कमिश्नर का कहना हुआ कि आप लोग नेतृत्व दीजिए और हम सभी आपके साथ हैं। बताते चले कि प्रशासनिक तौर पर भी अब यह गूंज सामने दिखने लगी है। प्रशासन भी हवाई सेवा के लिए तत्पर होते दिख रहे हैं। वहीं दूसरी ओर भागलपुर के सांसद अजय मंडल आज भागलपुर एयरपोर्ट सेवा संघर्ष समिति के शिष्टमंडल के साथ दिल्ली के लिए रवाना हो गए। वहां उदयन मंत्री राज सिंधिया से मिलकर जल्द से जल्द भागलपुर से हवाई सेवा शुरू कराने के लिए वार्ता करेंगे। शिष्टमंडल में भागलपुर सांसद अजय मंडल के नेतृत्व में उनके निजी सचिव संदीप मिश्रा, जय नंदन आचार्य, कमल जायसवाल, आनंद मिश्रा, अभय कुमार घोष, लालू शर्मा एवं सूरज यादव गए हैं। बताते चले कि समिति के कमल जायसवाल ने कहा कि हमारा यह प्रदर्शन अभी भी निरंतर चलता रहेगा जब तक यहां से हवाई सेवा प्रारंभ नहीं हो जाती। उन्होंने कहा अगर जगह की परेशानी है तो तत्काल हवाई जहाज अस्थाई हवाई अड्डे से कम सीटर वाले ही चालू हो। इससे पहले भी कई राजनीतिक नेता इस पर पहल कर चुके हैं, आगे आवाज उठा चुके हैं, चाहे वह शशिकांत दुबे हो, शहनवाज हुसैन हो या फिर भागलपुर विधायक अजीत शर्मा। कार्यक्रम में कमल जायसवाल, आनंद मिश्रा, रविकांत मिश्रा, लालू शर्मा, संगीता तिवारी, युवा समाज सेवी सुमन सिंह, विजय कुमार यादव, जयनंदन आचार्य, सोनू घोष, पवन शाह, निरंजन शाह, योगेंद्र यादव के अलावे दर्जनों कार्यकर्ता शामिल थे। सभी कार्यकर्ताओं का एक सुर में कहना था कि जो भागलपुर से हवाई सेवा चालू कराएगा भागलपुर की कुर्सी उसी के नाम होगी। बीएनपी न्यूज के लिए भागलपुर से संवाददाता अभिषेक आनंद की रिपोर्ट। आज कमिश्नर साहब के पास अपनी मांगों को लेकर के आए थे, उनकी तरफ से हम लोगों को ये निमंत्रण मिला था कि हम लोग आकर के अपनी बात रखें, और कमिश्नर साहब, डीएम साहब ने हम लोगों की बातों को बहुत ध्यान से सुना। बहुत सारी ऐसी जानकारी थी जो कि उनके पास नहीं थी, और हम लोगों ने कहा है कि उनके नेतृत्व में हम लोग इस काम को करना चाहते हैं। ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, और उनका जिस तरह का सकारात्मक सुझाव हम लोगों को मिला है, सहयोग करने का जो उन्होंने हम लोगों को आश्वासन दिया है, उससे ये उम्मीद हमारी बढ़ी है कि जो हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं ये निश्चित रूप से अब फलीभूत हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों ने ये मांग रखा है कि हम लोग लंबी जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है उसको बाद में देखेंगे कि बड़े जगह पर हमारा बड़ा एयरपोर्ट बने। फिलहाल जो हमारा एयरपोर्ट अभी है उसको किस तरह से हम लोग शुरुआत करवा सकते हैं, इस पर हम लोगों का मेन फोकस होना चाहिए, और इसके लिए उन्होंने पूर्ण सहयोग देने के हम लोगों को आश्वासन दिया है। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि जो हम लोगों का ये निश्चय है, जो हमारे लिए एक सम्मान की बात हो गई है कि हमको इस बार हमें चाहिए एयरपोर्ट भागलपुर में, वो हो करके रहेगा, और आज के बाद से हम लोगों को उम्मीद जगी है।